किताबों की सहायता से हम जान पाएंगे कि हम बार बार असफल क्यों होते हैं और कैसे हम गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ सकते हैं और कैसे हम खुद प्रेरित होकर दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। हम इसी तरह आपके लिए और भी सर्वश्रेष्ठ किताबों के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। असफल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन असफल होने के बाद दोबारा कोशिश न करना बुरा हो सकता है। गलतियाँ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बार बार वही गलती दोहराना बुरा हो सकता है। हमें लगातार अपनी असफलता और गलतियों से सीखते रहना चाहिए, तभी हम जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर सफलता की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। एक थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए, सोचिए और अमीर बनिए में लेखक नेपोलियन हिल ने बताया है कि आप अपने भाग्य के मालिक हैं। आप अपने खुद के वातावरण को प्रभावित और नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपना जीवन जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। सोचो और अमीर बनो। यह पुस्तक अमीर और सफल लोगों की 13 सबसे आम आदतों का एक विश्लेषण है, जो 20 वर्षों के दौरान 500 सेकंड अधिक व्यक्तियों का अध्ययन करने से प्राप्त हुआ ज्ञान है। इस पुस्तक के लेखक नेपोलियन हिल ने अपने जीवन का अधिकांश समय सफल लोगों और उनकी आदतों का अध्ययन करने में बिताया है, और इसके बाद उन्होंने 13 सबसे प्रचलित वाली आदतों मोस्ट पॉपुलर हैबिट्स को इस पुस्तक में साझा किया है। पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से आत्म सुझाव, कल्पना, सुव्यवस्थित योजना, निर्णय, ताल मटोले की आदत पर विजय पाना, मास्टरमाइंड की शक्ति, डर के 6 भूत, सोचिए और अमीर बनिए उन अत्यंत प्रभावशाली पुस्तकों में से एक है जो व्यक्तिगत उपलब्धि की राह बताती है। यह बताती है कि आप आर्थिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकते हैं और वह समृद्धि भी जिसे पैसे के पैमाने पर नहीं नापा जा सकता। यह पुस्तक हम उन सब लोगों को पढ़ने की सिफारिश करते हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना चाहते हैं। इन्हें यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। आखिरकार इस पुस्तक में लेखक का सफल लोगों के किए गए 20 वर्ष अध्ययन का अनुभव जो है। बड़ी सोच का बड़ा जादू। बड़ी सोच का बड़ा जादू में लेखक डेविड जे श्वार्ट्स ने बताया है कि जब आप विश्वास करते हैं तो आपका मन इसे करने के तरीकों को खोज लेगा। सफलता के गुर सीखें, बड़ा सोचें और वो सब पाएं जिसकी आपको हमेशा चाह थी। इस पुस्तक के हर अध्याय में आपको दर्जनों शानदार व्यवहारिक विचार, तकनीकें और सिद्धांत मिलेंगे। इन सिद्धांतों से आप बड़ी सोच की जादुई शक्ति का उपयोग कर पाएंगे। ऐसा करने से आप मनचाही सफल सुख और संतोष हासिल कर पाएंगे। हर तकनीक को ज्यादा अच्छी तरह से समझाने के लिए लेखक ने असली जिंदगी के उदाहरण भी दिए हैं। आप न सिर्फ यह समझ लेंगे कि आपको करना क्या है, बल्कि आप यह भी समझ लेंगे कि इन सिद्धांतों को असली जिंदगी की स्थितियों और समस्याओं में किस तरह लागू करना है। तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि यह पुस्तक आपके लिए क्या करेगी और आपको सफलता सक्सेस पाने के लिए किस रास्ते पर चलना चाहिए। पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे बड़ा। कैसे सोचे, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। हार को जीत में कैसे बदलें, लक्ष्य बनाएं, सफल बने। सोचे तो लीडर की तरह, तो आज ही इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करें और जाने बड़ी सोच का बड़ा जादू। 3 द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। आपके अवचेतन मन की शक्ति में लेखक डो जोसेफ मर्फी ने बताया है कि अगर आप विश्वास कर सके तो उसके लिए हर चीज संभव है जो विश्वास करता है। यह पुस्तक आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। यह पुस्तक आपको यह सिखाने के लिए लिखी गई है कि आप अपने अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से अपनी तकदीर खुद कैसे बनाए। इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। यह पुस्तक आपको आसान एवं बेहद प्रभावशाली तकनीकों के द्वारा उन मानसिक विरोधों को दूर करना सिखाती है जो आपके और आपकी मनचाही सफलता सक्सेस के बीच बाधा बनते हैं। टॉमफी इस मूलभूत सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं कि यदि आप वास्तव में किसी चीज में विश्वास करते हैं और निरंतर उसके मानसिक चित्रण का अभ्यास करते हैं, तो उन अवचेतन संबंधी बाधाओं से उबरा जा सकता है जो आपको
सफल होने से रोकती हैं। इस प्रकार आप अपने विश्वासों को यथार्थ में बदलते हुए कामयाबी पा सकते हैं। पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति मनचाहे परिणाम कैसे पाएं। दौलत पाने के लिए अवचेतन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें। क्षमा के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। डर भगाने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। मन से हमेशा युवा कैसे रहा जाए। अपने अवचेतन मन की अद्भुत जादुई शक्ति को जानने के लिए इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक के माध्यम से आप सरल व्यवहारिक एवं उपयोगी तकनीकों व अभ्यासों को सहजता से अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकेंगे। लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला में लेखक डेल कार्नेगी ने बताया है कि जब भाग्य आपको नींबू दे तो उसका शरबत बना लीजिए। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पुस्तक 1936 में प्रकाशित हुई और देखते देखते ही कुछ ही समय में बेस्ट सेलर पुस्तक बन गई और यह अभी तक लोगों की सबसे पसंदीदा पुस्तकों में से एक पुस्तक है। यह पुस्तक आपके लिए 8 काम करेगी। आपके दिमाग पर लगी जंग साफ करेगी। नए विचार देगी। आप में नए सपने जगाएगी और नई महत्वाकांक्षाओं की प्रेरणा देगी। आपको ऐसा तरीका बताएगी जिससे आप जल्दी से और आसानी से दोस्त बना सकेंगे। आपकी लोकप्रियता बढ़ाएगी। लोगों से आपकी बात मनवाने में मदद करेगी। आपके प्रभाव मान सम्मान को बढ़ाएगी और काम कराने की योग्यता को बढ़ाएगी। शिकायतों से निपटने, बहस से बचने और संबंधों को मधुर बनाने के तरीके सिखाएगी। एक अच्छा वक्ता और दिलचस्प बातें करने वाला बनाएगी। आपके साथियों में उत्साह भरने का तरीका सिखाएगी। इस हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पुस्तक में एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए अपने संबंधों को अच्छी तरह से संभालने, दूसरों को जीतने और लोगों को ठेस पहुंचाए बिना बदलने के अंगिनत सिद्धांत सिखाए गए हैं। पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से। लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत तरीके। लोगों का चहेत बनने के 6 तरीके। लोगों से अपनी बात कैसे मनवाए, ठेस पहुंचाए बिना लोगों को कैसे बदलें। अगर आप लोगों के बीच अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, प्रभावशाली और लोकप्रिय इंसान बनना चाहते हैं, तो बेशक आपको यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। Rich Dad Poor Dad में लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया है कि हम सभी की सबसे शक्तिशाली संपत्ति हमारा मन है। अगर इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है तो यह भारी संपत्ति पैदा करने में काबिल है। बहुत से लोग बहुत कड़ी मेहनत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन वे पर्याप्त रूप से नहीं कमाते हैं। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि इस चूहे दौड़ से कैसे बचें और कैसे वित्तीय आजादी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी अपने बचपन के अपने दो पिताजी की कहानी बताए हैं। एक अपने गरीब पिता और दूसरे अपने सबसे अच्छे दोस्त के अमीर पिता की सीख दी गई है। यह दोनों बहुत अलग तरीके से सफलता प्राप्त करने के तरीके बताते हैं। लेखक के अपने गरीब पिता एक ऐसे व्यक्ति है जो चूहा दौड़ में लगातार चल रहे हैं लेकिन धन के लिए अपने सपनों में ड्रीम्स को हासिल करने में सक्षम नहीं है क्योंकि उन्हें व्यवसाय ज्ञान का अभाव है। दूसरी तरफ उनके अमीर पिताजी हैं जिनके पास पैसे और सफलता के बारे में अद्भुत ज्ञान है और यही ज्ञान लेखक ने इस किताब द्वारा हमें देने की कोशिश करी है और वाकई यह बहुत ही बेहतरीन किताब है। इस पुस्तक को 6 मुख्य पाठों में संगठित किया गया है। पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है। दूसरों के बजाय स्वयं के लिए काम करें और की शक्तियों को समझें। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। पैसे के लिए काम करने के बजाय सीखने के लिए काम करें। मैं ऐसे सब लोगों को यह किताब पढ़ने की सलाह देता हूं जो भविष्य में अमीर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना पसंद करते हैं। यह आपको वित्तीय आजादी प्राप्त करने में मदद करेगा। 6 द सीक्रेट रहस्य में लेखक रोंडा बन ने बताया है कि यदि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अच्छे विचारों को सोच रहे हैं। यह पुस्तक आकर्षण का नियम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है। इस पुस्तक में यह विस्तार से बताया गया है कि चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन अगर आपको इस आकर्षण के नियम का सही से इस्तेमाल करना समझ
समझा जाए तो आप जो चाहे वही हासिल कर सकते हैं। लेखक का कहना है कि आकर्षण का नियम ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली नियम है। आपका मन एक चुंबक की तरह है, हम जो सोचते हैं उसे आकर्षित करते हैं, चाहे वह सकारात्मक पॉजिटिव विचार हो या डर की विफलता फेलियर के विचार, और जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। किताब का सार हमारे दिमाग की शक्ति है, जिसे अगर हम पहचान ले और ठीक से आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया जाए तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की लहर पैदा हो सकती है। पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से, रहस्य का खुलासा, कैसे रहस्य का उपयोग करें, पैसों का रहस्य, स्वास्थ्य का रहस्य, जीवन का रहस्य। अगर आप भी इस आकर्षण के नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना और उपयोग करना चाहते हैं तो आपको यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। सेवन द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की शक्ति। सकारात्मक सोच की शक्ति में लेखक नॉर्मन विंसेंट पील ने बताया है कि आपको किसी भी चीज के सामने हार मानने की जरूरत नहीं है। आप मन की शांति, बेहतर सेहत और कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा हासिल कर सकते हैं। आपका जीवन खुशियों से भर सकता है, इस बारे में मुझे जरा भी संदेह नहीं है। नॉर्मन विंसेंट पील सकारात्मक सोच पॉजिटिव थिंकिंग की शक्ति जो हमें सिखाता है कि हमें कैसे अपने आप में विश्वास करना है, कैसे चिंता की आदत को तोड़ना है और अपने विचारों द्वारा अपने जीवन पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं। अगर आप नकारात्मक सोच से परेशान हैं, अगर आपको बिना वजह डर, चिंता, तनाव के विचार परेशान कर रहे हैं तो आपको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस पुस्तक के पढ़ने के बाद आपके सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा और आप महसूस करने लगेंगे सकारात्मक सोच की शक्तियों को। के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से, अपने आप में विश्वास रखें, सुखी होना आपके हाथ में है, अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, मैं हारने में विश्वास नहीं करता, चिंता की आदतों को कैसे छोड़े, नजरिया बदल कर नए इंसान बने, लोकप्रिय कैसे बने। अगर आप नकारात्मक तरह सोचेंगे तो आपको नकारात्मक परिणाम मिलेंगे, अगर आप सकारात्मक तरह से सोचेंगे तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। 8 गोल्स, लक्ष्य। लक्ष्य में लेखक ब्रायन ट्रेसी ने बताया है कि स्पष्ट लिखित लक्ष्य वाले लोग बिना लिखित लक्ष्य लोगों की तुलना में कम समय में अधिक से अधिक लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। यह पुस्तक महत्वाकांक्षी लोगों के लिए है, ऐसे लोगों के लिए जो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप भी यही चाहते हैं तो यह पुस्तक आप ही के लिए लिखी गई है। इसमें बताए गए विचारों पर अमल करके आप बरसों की कड़ी मेहनत, हार्डवर्क से बच सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य, गोल, ज्यादा तेजी से हासिल कर सकते हैं। पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से, अपने भविष्य का निर्माण करें, अपने सच्चे लक्ष्य तय करें, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बने, हर दिन अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें, हर दिन कुछ करें, सफल होने तक जुटे रहे। 9 अपनी आत्मशक्ति को पहचाने। वैसे तो रोबिन शर्मा की सभी बुक्स एक से बढ़कर एक हैं, पर अपनी आत्मशक्ति को पहचाने हमें सबसे बेहतरीन लगी। किताबों में इतना खजाना छुपा होता है जितना कोई लुटेरा कभी भी नहीं लूट सकता। वॉल्ट डिज्नी 10 जीत आपकी, जीत आपकी, ये किताब हमारी सबसे ज्यादा पसंदीदा मोटिवेशनल बुक्स की लिस्ट में आती है। ये किताब में शिव खेड़ा जी ने लिखी है, जो भारत में सबसे ज्यादा बेची गई किताब में से एक है। उनका बेहतरीन विचार, जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।